मुझे इस दशा में देखकर माँ को कष्ट हो रहा है और पिताश्री भी व्याकुल हैं। उनकी व्याकुलता समाप्त कर दीजिए बस। अपने माता पिता की व्याकुलता दूर करना है। मेरी औषधि तुम्हें स्वस्थ कर देगी। किंतु उसके पूर्व मुझे वचन दो कि सदैव अपने माता पिता की बात मानोगे। मैं वचन देता हूं। जाओ बालक। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। मूल ने हर लिया अंश कताप जटा के जल से करते उपचार अद्भुत लीला शिव शक्ति की हर लिया अंश का सब विकार। मात और पिता है भावुक देख कर हनुमान आगत ताप हनुमान है अब ताप रहित रहे निरोगी अंजन पुत्र का शरीर। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। कमंडल से जल ग्रहण कराओ बालक को। ग्रहण करो इसे। कुछ नहीं होगा वादराज, ये अग्नि ही उगलेगा। बल बला बल बल। बचलो बचलो अतिबल, कहीं तुम ही न फंस जाओ, कहीं कहीं तुम्हें अग्नि लग गई तो। इस बार अग्नि नहीं निकली। अग्नि बुझ गई, देह का ताप शांत हो गया। ताप शांत हो गया। मित्र हनुमान तुम तो स्वस्थ हो रहे हो। मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा, माँ की चिंता भी दूर हो जाएगी। और नहीं, अति औषधि की हो, भोजन की हो, प्रेम की हो, शत्रुता की हो, ज्ञान की हो या किसी अन्य वस्तु की हो, अति सदैव
क्षति का कारण बनती है। यदि एक घूंट में तुम स्वस्थ हो सकते हो, उससे अधिक जितनी भी औषधि तुम पी जाओगे वो व्यर्थ तो जाएगी और उससे तुम्हें हानि भी हो सकती है। इसलिए सदैव उचित मात्रा का ध्यान रखो। मैं समझ गया, मैंने भी अधिक मात्रा में लावा पी लिया था। लावा कोई पीने का पदार्थ नहीं है बालक। गौरी, तनिक इसका ताप तो देखो। रुक जाइए, माँ ने भी मुझे छुआ था, उन्हें भी हाथ में ताप लग गया था, कहीं आपको भी। मुझे कुछ नहीं होगा बालक। मुझे कुछ नहीं हुआ ना। अब तुमने जो अपनी माँ को शपथ दी थी कि मुझे मत छूना, वो शपथ तोड़ दो। अब आप अपने पुत्र को स्पर्श कर सकती हैं। कब से गले लगाना चाहता था। वैद्यराज जी, आप तो हमारे पुत्र को मृत्यु के मुख से खींच लाए हैं। बनकर आए हैं आप हमारे लिए। अब बालक को विश्राम की आवश्यकता है, इसे सोने दीजिए, प्रातः तक ये पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगा। आपके लिए हम जो भी कर सकें वो कम होगा वैद्यराज जी, कृपया आज्ञा दें। हम क्या शुल्क देके आपको संतुष्ट कर सकते हैं? शुल्क भविष्य में कभी मांग लेंगे, अब हमें आज्ञा दीजिए। वैद्य जी, आपने हमारे हनुमान को जीवन दान देकर हमें भी नया जीवन दान दिया है। आपके शुल्क के लिए मैं अपने पल्लू में गांठ बांध लेती हूँ। जब भी आप कहेंगे, जो भी आप कहेंगे, यदि वो हमारे सामर्थ्य में हुआ तो हम आपको अवश्य वो शुल्क देंगे। आपका कल्याण हो।
क्या दृश्य था! रुद्रांश को स्वयं रुद्र अपनी जटाओं में बसी गंगा से स्नान करा रहे थे। देवर्षि, पुण्य सलीला गंगा तो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का हरण करने वाली है। हनुमान का ताप तो समाप्त होना ही था ना? और देवर्षि, आपने देखा नहीं, आज तो महादेव हनुमान को स्नान करा के ऐसे आनंदित हो रहे थे जैसे स्वयं पिता अपने पुत्र को स्नान करा के आनंदित होता है। हाँ प्रभु, पहले स्नान कराया, फिर माता महेश्वरी ने कमंडल से अमृत पान कराया। हनुमान, तुम्हारे जैसे भाग्य तो किसी के नहीं है। नारायण नारायण। माँ, वो दोनों मुझे देखे देखे से लग रहे थे और उन्होंने जो मुझे जल पिलाया वैसा तो मैंने आज तक नहीं पिया है। औषधि होगी पुत्र। माँ, वो शहद जैसा मीठा था, किंतु उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैंने आपको शपथ दी थी ना छूने के लिए? अब तुमने जो अपनी माँ को शपथ दी थी कि मुझे मत छूना, वो शपथ तोड़ दो। अब आप अपने पुत्र को स्पर्श कर सकती हैं। कुज कु प्रभोवपि त्वं मंगल परिगद्यसे अमंगलं निहत्याशु सर्वदा यच्छ मंगलं स्वाहा स्वाहा। दशानन, देख रहे हो आकर्षण कवच को? मेरे तपोबल ने प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। हाँ गुरुदेव, देख रहा हूं। देवराज इंद्र, हमारी सेना युद्ध के लिए तत्पर है। मात्र युद्ध नहीं है ये सेनापति कार्तिके, आज हमारी सेना को हमारा कर्तव्य पुकार रहा है। आज हमारे वीरों को श्रेष्ठ पराक्रम और अद्भुत शौर्य दिखाना है। यदि हमें सृष्टि की रक्षा करनी है तो हर स्थिति में लंकेश रावण के इस यज्ञ का विध्वंस करना होगा। यदि रावण इस यज्ञ में सफल हो गया तो ना केवल उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएगी वरन वो हर किसी से अवध्य भी हो जाएगा, जिसके पश्चात समस्त सृष्टि असुरों के आतंक और अत्याचार से त्राहिमाम कर उठेगी। तीनों लोक पर असुरों का आतंक होगा, इसीलिए इस यज्ञ का विध्वंस होना अति आवश्यक है। जी देवराज, हमारी सेना किसी भी कठिन चुनौती से निपटने के लिए तत्पर है। केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है देवराज इंद्र। प्रजाजनों, आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि आपके युवराज हनुमान सकुशल हैं। उनका ताप अब पूर्णता शांत हो चुका है। सेनापति, इन वैद्यराज को तो कभी देखा ही नहीं अपने नगर में, पता नहीं कहां से आए थे। हाँ महाराज, हमें आग्रह करना चाहिए कि वे हमारे नगर में ही बस जाएं। प्रणाम महाराज।
महाराज, मैं भी उनसे यही आग्रह करने के लिए बाहर गया था, किंतु वे कहीं दिखाई नहीं दिए। मुझे तो लगता है ईश्वर स्वयं आए थे मेरे पुत्र का उपचार करने। हे महादेव, हे कृपा निधान, आपको कोटि कोटि नमन। देवराज, आपका वाहन और आपका सारथी मातली आपकी सेवा में प्रस्तुत है। युद्ध क्षेत्र में आपकी रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं मैं। मातली, मुझे तुम पर सबसे अधिक विश्वास है। तुम एक श्रेष्ठ सारथी तो हो ही, मेरे हित चिंतक भी हो। धर्मनिष्ठा और विश्वसनीयता में भी तुम श्रेष्ठ हो। आज युद्ध में हमारी ही विजय होगी। ये अकस्मात क्या हो रहा है? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वायु भी बहुत तीव्र हो गई है। ये कैसा अलौकिक प्रकाश है? मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ब्रह्मदेव, अब मैं देखता हूँ नर और वानर मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। रुक जाओ देवराज इंद्र। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव, किंतु आप मुझे रावण का यज्ञ विध्वंस करने से क्यों रोक रहे हैं? देवराज, वो प्रयास करना ही व्यर्थ है जिसका असफल हो जाना निश्चित है। पराजय तो मिलेगी ही, हास्य के पात्र भी बनेंगे आप। रावण ने घोर तपस्या करके मुझसे वर मांगा था कि देवताओं से अवध्य रहेंगे और मेरा वरदान कभी निष्फल नहीं होता। मात्र नर एवं वानर ही उनका वध कर सकते हैं। नर रूप में विष्णुदेव एवं वानर रूप में रुद्रांश का जन्म हो चुका है। मुझे तो यह सब ज्ञात है परमपिता, किंतु यदि रावण का यज्ञ सफल हो गया, उसका रक्षा कवच सिद्ध हो गया, तो वो नर और वानर के लिए भी अवध्य हो जाएगा। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। समय तो अपना कार्य करेगा ही। मेरा आपसे परामर्श ही नहीं, आदेश भी है कि आप रावण के हवन में विघ्न डालने का प्रयत्न भी ना करें। किंतु ब्रह्मदेव। देवराज, परमपिता ब्रह्मदेव उचित ही कह रहे हैं। लंका पर आक्रमण करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। लंकेश, सिद्ध हो गया यह कवच। प्रसन्न हुए हम। गुरुदेव आप महान हैं, प्रसन्न कर दिया आपने दशानन को। यदि तुमने कुछ अनुचित या बुरा कार्य किया, एक लाल माला
इस खूंटी पर लटका दी जाएगी। तो तुम समझ गए पुत्र कि तुम्हारा ज्वालामुखी को अप्राकृतिक रूप से रोकना अनुचित था। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये देखिए माँ, मैंने भूल स्वीकार करने वाली लाल माला खूंटी पर टांग दी है। पुत्र, जो भी करना हो सोच विचार कर करना चाहिए। ज्वालामुखी का टूटना प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करने से संकट उत्पन्न होते हैं। किंतु तुमने तो बिना विचार किए उसके प्रवाह को रोकने का प्रयास किया। वो मेरी भूल थी माँ। ध्यान रखना पुत्र, भविष्य में तुम्हारा कोई भी मित्र कहे या कोई और, अपने वरदानों की शक्ति का प्रयोग तब तक मत करना जब तक सच में उसकी आवश्यकता ना हो। ना चाहिए ना कि तलवार से, अर्थात शाख की आवश्यकता चाकू से पूरी होती है, ना कि तलवार से। मैं सब समझ गया माँ। चलो। ये चूल्हा देख रहे हो पुत्र, इसमें उतनी ही आंच रखी जाती है जितने में भोजन पक जाए। अधिक लकड़ी जलाई जाने से भोजन जल भी सकता है, और यदि कम लकड़ी जलाई गई तो भोजन पकेगा ही नहीं। मैं समझ गया माँ, भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकता होती है। जो काम छोटी शक्ति से हो जाए उसके लिए हमें बड़ी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ पुत्र, जो काम तुम सहजता से कर सकते हो उसके लिए वरदान की शक्तियों का प्रयोग करना अनुचित है। यदि किसी के प्राण संकट में हो, या कोई दुर्घटना घटने वाली हो, या प्रजाजन संकट में पड़ गए, तब तुम अपनी वरदान की शक्ति का प्रयोग करो, और वो भी उसके परिणाम के विषय में सोच विचार करके पूर्ण समझदारी के साथ। मैं अब ऐसा ही करूंगा माँ। बलबला बलबल, सोच विचार करोगे हनुमान, अब मुझे तुम्हारी शक्तियां देखने के लिए कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। बलबला बलबल। लंकेश, अब ये कवच सिद्ध हो गया है। लंकेश, ये कवच तुम्हारी रक्षा के लिए प्रस्तुत है। इसे धारण करते ही तुम अवध हो जाओगे। नर और वानर कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। अब यह सारा संसार तुम्हारे चरणों में होगा। इसे धारण करते ही तुम तीनों लोकों को भी धारण करने योग्य हो जाओगे। धारण करो इसे लंकेश।
Vishnu! अब तेरा कोई छल कपट नहीं चलेगा। चाहे तूने इस धरती के किसी भी कोने में जन्म ले लिया हो, चाहे तुम सारे देवता मिलकर उस तुच्छ वानर बालक को जितनी चाहे शक्तियां दे दो, अब मेरा कोई आयत नहीं कर सकता। मैं अजय हूं, अपराजय हूं, अवध्या हूं मैं। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। सुना तूने ऋषाओ? मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब मैं निकलूंगा अपने रक्षा कवच के साथ परिभ्रमण करने के लिए। दशानंद रावण की जय। दशानंद रावण की जय। केश रावण की जय। क्या कोई सदैव अपराजय रह सकता है? कुछ स्थायी नहीं है संसार में। समय परिवर्तनशील है। सब कुछ समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। किंतु हां, भक्ति कभी परिवर्तित नहीं होती। भक्ति से आंतरिक शक्ति प्रबल होती है। वो शक्ति आत्म त्याग के लिए प्रेरित करती है। और जब मनुष्य सच्चा आत्म त्याग करता है, तभी उसकी आत्मा ईश्वर के प्रति पूर्णतः रूप से समर्पित हो पाती है। किंतु स्वामी, आत्मत्याग बहुत ही कठिन साधना के द्वारा ही संभव होती है। हाँ मित्रविंदा, किंतु जिसने ये कठिन साधना कर ली, उसे ना तो मृत्यु का भय रहता है और ना ही स्वर्ग के सुख की कामना। अजय हो जाता है वो। उसकी देह तो पराजित हो सकती है, किंतु आत्मा नहीं। इसीलिए रावण या अन्य मनुष्यों की भांति भय, वासना और लालच के नाम पर बाहरी सुरक्षा कवच ढूंढने के स्थान पर आंतरिक सुरक्षा कवच की सिद्धि करनी चाहिए, जो आत्मा को सुरक्षित करती है। और उसकी सिद्धि तभी होती है जब आत्मा भक्ति भाव के साथ परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। अरे वाह, इतने सुंदर उपहार, नए नए अंग वस्त्र, नए आभूषण। अरे वाह, कितना सुंदर है ये और कितना चमक रहा है, बिल्कुल दर्पण के भांति। माँ, ये कितना सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ, मैं इसे अभी पहन लूँ? अभी नहीं पुत्र, समय है अभी। पहले तुम्हारा राज तिलक होगा, तुम युवराज बनोगे तब। नानी, युवराज तो मैं अभी भी हूँ ही ना, सब मुझे युवराज कहते हैं। युवराज बनने के लिए उत्सव का आयोजन क्यों? पुत्र, इस उत्सव में तुम्हें विधिवत युवराज घोषित किया जाएगा और उसके बाद तुम्हारे कुछ नए कर्तव्यों का आरंभ होगा। तुम्हारे उत्तरदायित्व भी बढ़ जाएंगे। जानते हो ना कर्तव्य और उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? हाँ नानी जी,
मुझे सब ज्ञात है। चक्रासुर के समय में भी मैंने अपना उत्तरदायित्व निभाया था और ज्वालामुखी के विस्फोट के समय भी मैंने अपना कर्तव्य निभाया था। पुत्र हनुमान, वीरता और युद्ध ही कर्तव्य नहीं होते युवराज बनने के लिए, प्रजा के हित का भी ध्यान रखना होता है। रणनीति से लेकर राजनीति तक सबका ज्ञान होना आवश्यक है युवराज बनने के लिए। इतना सब कुछ? हाँ पुत्र, कृषि का प्रबंध, उद्योग और व्यापार की व्यवस्था, संगीत, साहित्य, कला, नाट्य का प्रबंधन, यही नहीं धर्म कर्म और यज्ञ, ये सब कुछ तुम्हें सीखना और समझना होगा पुत्र। इतना सब कुछ? हाँ पुत्र, अपने आचरण और कर्म। पिताश्री, मेरे राज तिलक के लिए इतने नए नए आभूषण। अंजना, इतनी उदास क्यों हो? संस्कार, समझ और अनुभव कोई औषधि नहीं है जो घोलकर पिला दी और बालक को ज्ञान प्राप्त हो गया? हमें निरंतर प्रयास करना होगा और देखना हमारा हनुमान शीघ्र ही सब कुछ सीख जाएगा। माँ, मैं ये सब अपने मित्रों को दिखाऊं? उत्सव में तो सब देख ही लेंगे ना। पुत्र, मैंने तुम्हें समझाया था ना, किसी भी प्रकार का दिखावा करना अनुचित है। वस्त्र आभूषण हो, धन संपदा हो या शक्ति बल, किसी भी प्रकार का अनावश्यक दिखावा नहीं करना चाहिए पुत्र। मैं सब समझ गया माँ, और मुझे ये भी स्मरण है कि अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग तभी करना चाहिए जब सच में उनकी आवश्यकता हो। कितना श्रृंगार करोगी उर्वशी? होना तो वही है जो नित्य होता है, हम नित्य करेंगे। देवराज इंद्र कुछ प्रशंसा के बोल बोलेंगे बस। रंभा, आज उर्वशी देवराज इंद्र को अपने सौंदर्य और नृत्य से मंत्रमुग्ध करने वाली है। देवियों, देवराज इंद्र ने सूचना भिजवाई है कि आज दरबार में होने वाला नृत्य स्थगित किया जाता है। परिश्रम और अभ्यास किया था हमने और देवराज इंद्र ने नृत्य स्थगन का आदेश दे दिया। ऐसा क्यों किया देवराज इंद्र ने? मुझे तो इसकी आशंका पहले से ही थी। रावण के कारण ही देवराज खिन्न भी है, वो तो सेना तक लेकर निकल पड़े थे युद्ध करने को। हमें देवराज से भेंट करनी चाहिए। नहीं चित्रा, इस समय उनसे नृत्य आदि की बात करना अनुचित होगा। स्वर्ग की महारानी शची पधार रही है। महारानी, प्रणाम महारानी।
अब एकाएक यहाँ रंगशाला में। हाँ, तुम सबके लिए एक सुखद समाचार है। तुम्हारी परम सखी के जीवन में आज सुनहरा अवसर आया है। आप किस सखी की बात कर रही हैं महारानी? पुंजिक स्थला की उर्वशी, जो अब धरती लोक में हनुमान की माता अंजना है। आज अंजना के पुत्र हनुमान को अल्पायु में ही युवराज के पद पर सुशोभित किया जा रहा है। अच्छा, आज तो सचमुच ही पुंजिक स्थला अर्थात अंजना के जीवन का सबसे सुखद दिन है। हाँ उर्वशी, बड़ा ही चमत्कारी और दिव्य बालक है वो, और अंजना भी संसार की श्रेष्ठ माताओं की गणना में आ चुकी है। चलो अच्छा ही है, पृथ्वी पर जाकर ही सही, कुछ तो श्रेष्ठता मिली उसे, अन्यथा स्वर्ग में तो वो एक साधारण अप्सरा थी। क्यों उर्वशी, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? मुझे क्यों ईर्ष्या होगी महारानी, स्वर्ग के सुख पृथ्वी पर कहाँ। अच्छा सुनो, सुमेरु से स्वर्ग में भी निमंत्रण आया है, तो हमने सोचा वो तुम्हारी सखी है, तुम सब चली जाओ वहाँ, उससे मिल भी लोगी और हमारी ओर से उसे उपहार भी दे देना। यदि आप और देवराज चाहते हैं तो हम अवश्य जाएंगी वहाँ। महाबली उद्भट योद्धा पंपासर नरेश पधार रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव, आपका स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति पधार रहे हैं। पितामह आपका स्वागत है। देवियों आपका स्वागत है। कदाचित आप सब स्वर्गलोक से पधारे हैं। हाँ महाराज केसरी, मैं उर्वशी, ये चित्रा और ये रंभा, देवराज इंद्र और देवी शची इंद्राणी की ओर से हम स्वर्गलोक से आपके पुत्र हनुमान को आशीर्वाद देने आए हैं। आसन ग्रहण कीजिए। भाग्य तो देखो, महारानी और राजमाता हो गई है यहाँ। चित्रा सत्य कहा, हम तो बस अप्सराएं बनकर रह गई, मात्र नृत्यांगनाएं, और ये यहाँ राजमाता बनकर सबका सम्मान पा रही। अब हमें विधान आरंभ करना चाहिए। अब युवराज अभिषेक का विधिवत श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश, पुरोहित जी, ये श्री गणेश क्या होता है? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्थां गतोऽपि वा यस्मरित पुण्डरीकाक्षं सपाभ्यन्तरः शुचिः ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च
गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवेतु सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुग्धम समर्पयामि, ओम घृतम समर्पयामि, ओम तिलम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि। अब हनुमान युवराज पद की शपथ ग्रहण करेंगे। हनुमान पुत्र, राजपुरोहित जी जो तुम्हें कहे तुम्हें वही दोहराना है। मैं समझ गया माँ। मैं सुमेरु महाराज केसरी और राजमाता अंजना पुत्र हनुमान युवराज पद की शपथ लेता हूँ। मैं सुमेरु महाराज केसरी और राजमाता अंजना पुत्र हनुमान युवराज पद की शपथ लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखूँगा। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखूँगा। पुत्र की हर उपलब्धि पर सबसे अधिक प्रसन्नता तो माँ को ही होती है। युवराज अब आसन ग्रहण कीजिए। जी। हनुमान, युवराज पद की गरिमा बनाए रखना पुत्र, सदा आनंदित रह। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। प्रणाम वायुदेव। कल्याण हो पुत्र। देवी अंजना, महाराज केसरी, आप दोनों को भी बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। कल्याण। प्रणाम सुग्रीव भैया। हनुमान, ये किष्किंधा और सुमेरु की मैत्री की प्रतीक स्वरूप मुद्रा है, इसे स्वीकार करो। हम स्वर्ग लोक से आपके पुत्र हनुमान को आशीर्वाद देने आई हैं। हनुमान,
इन्हें प्रणाम करो पुत्र। अवश्य माँ। प्रणाम। इन्हें भेंट दो पुत्र। स्वर्ग लोक तो बड़ा ही सुंदर होगा ना? हाँ हनुमान, देवराज इंद्र ने ये उपहार तुम्हारे लिए भेजा है। देवराज इंद्र? वो श्वेत गजराज वाले? उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा और उस गजराज को मेरा बहुत सारा प्रेम कहिएगा। अवश्य हनुमान, तुम्हारा कल्याण हो, कीर्ति बढ़े, यश बढ़े, जगत में सम्मान हो तुम्हारा। चलो चलो, हम उपहार देते हैं मित्र हनुमान को। हाँ चलो चलो। मित्र, ये उपहार तुम्हारे लिए है। हाँ मित्र, हम सब की ओर से। धन्यवाद मित्रों। और ये उपहार तुम सब के लिए। धन्यवाद मित्र। देखो पुंजिक स्थला का पुत्र हनुमान कितना तेजस्वी और कैसी मनोहरी छवि वाला है। हाँ चित्रा, हमारा भी मन होता है कि हमारा भी कोई ऐसा पुत्र हो, किंतु हमें माँ बनना वर्जित है। पुंजिक स्थला को देखो, अप्सरा होके भी कैसे माँ बन के गर्वित हो रही थी। हाँ माँ बनी वो, ऐश्वर्यशाली पति का प्रेम पा रही है वो, सुमेरु राज्य की महारानी बन बैठी है। हमारे भाग्य ऐसे क्यों नहीं हो सकते? अपने विनाश के लिए अब अति बल से भी एक उपहार ले लो हनुमान। इस मायावी खिलौने से खेलते ही तुम सदा के लिए दशानन के दास बनकर रह जाओगे हनुमान। रुकिए, कौन है आप? कहां से आए? मैं अतिबल बटुकपुर गांव से आया हूं। बटुकपुर? ये गांव कहां है और इसमें क्या है, दिखाइए। मैं जानता हूं इन्हें। जब चक्रासुर से युद्ध हुआ था ना, तब ये सुमेरु में ही थे। ये एक बालक को बचाते बचाते स्वयं ही एक गड्ढे में फंस गए थे, तब मैंने इन्हें बाहर निकाला था। आप भी मेरे लिए कोई उपहार लाए हैं? हाँ हनुमान, ये लो, ये रहा तुम्हारा उपहार। अतिबल, ये लो, ये मायावी खिलौना, उसे जाकर दो। क्या है इसके भीतर? नहीं नहीं हनुमान, अभी नहीं, इसे बाद में खोलना। अकेले में कुछ विशेष है इसमें तुम्हारे लिए।
हनुमान, मैंने निश्चय किया था जब तुम युवराज बन जाओगे तुम्हें ये चमत्कारी गदा प्रदान करेंगे। ये गदा अपने लक्ष्य पर प्रहार करने के पश्चात अपने स्थान पर स्वयं वापस आ जाती है। अरे वाह, चमत्कारी गदा! अंजना, मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी थी कि स्वर्गलोक की अप्सराएं सुमेरु गई हैं। लौटते समय तो आकाश मार्ग से ही जाएंगी। उर्वशी, स्वर्ग लोक की अप्सरा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। दशा, रावण ने एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया उसे कोई नहीं बचा सकता। रावण, तुम्हें मिले समस्त श्रापों और वरदानों के बारे में जानती हूँ मैं। मेरी स्वीकृति के बिना मुझे ले जाकर तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रण दोगे, इसलिए उचित यही होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। इंद्र की प्रमुख रतांगनी, अब तो मेरे दरबार में हमारे मनोरंजन के लिए प्रमुख नर्तकी बनोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता रावण, मैं स्वर्ग लोक ही जाऊंगी। देवराज इंद्र से प्रेम करती हूँ। इंद्र, मेरे चरणों की धूल से अधिक वो कुछ नहीं, और यदि तुम उससे इतना प्रेम करती हो तो पृथ्वी लोक पर क्या कर रही थी? हनुमान, इन्हें प्रणाम करो पुत्र। अवश्य माँ। बोलो उर्वशी, किस सोच में डूब गई? मैं अपनी पुरानी अप्सरा सखी पूंजिक स्थला से सुमेरु मिलने गई थी। सुमेरु में स्वर्ग की अप्सरा क्या कर रही है? उसे एक ऋषि का श्राप था। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। और आज वही अप्सरा सुमेरु में दिव्य बालक हनुमान की माता बन इतरा रही। पहले तो देवताओं ने उसे जीवित किया, फिर उसे हनुमान नाम दिया। इतना ही नहीं लंकेश, देवताओं ने उसे वरदान में कुछ शक्तियां दी हैं, जिनके बारे में अभी कुछ ज्ञात नहीं हो पाया है लंकेश। ओ, हनुमान। जा, स्वतंत्र किया तुम्हें। क्यों रावण, किससे भयभीत हो गए? उर्वशी, है तो रावण के शब्द कोश में है ही नहीं, बस दया आ गई तुम पर। वैसे भी दया का पात्र ही तो हो ना तुम। पुंजिक स्थला की भांति कभी मां तो नहीं बन सकती ना तुम। सदैव इंद्र के दरबार में नाचती ही रहोगी। कोई और सुख तो तुम्हें मिलने से रहा। किस सोच में डूब गई उर्वशी? जाओ, जाकर उस स्वार्थी इंद्र से अपना अधिकार मांगो। सत्य कहा,
अब या तो देवराज इंद्र को अंजना की भांति मुझे भी जीवन के सारे सुख भोगने का अधिकार देना होगा, या फिर अंजना को स्वर्ग वापस बुलाना होगा और इंद्रदेव के कहने पर अंजना को सब कुछ छोड़कर वापस आना होगा। माँ, मुझे सबने उपहार दिया किंतु आपने तो मुझे उपहार दिया ही नहीं। मैंने और तुम्हारे पिताश्री ने मिलकर तुम्हें गदा दी थी ना? वो तो पिताश्री का उपहार था, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, तो क्या चाहिए मेरे पुत्र को अपनी माँ से? माँ, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तो आप ही हैं। बस आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। पुत्र, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हें छोड़कर? हाँ, अन्याय तो हुआ ही है मेरे साथ भी और स्वर्ग लोक की बाकी अप्सराओं के साथ भी। अग्नि में कृत पड़ गया है रावण, अब तो अग्नि भड़केगी ही। अन्याय को न्याय में परिवर्तित देवराज इंद्र को करना ही होगा। मेरे प्रियतम इंद्रदेव, आपको हमारे साथ न्याय करना ही होगा। स्त्री की जलन फूस की ढेर के समान होती है, जिसमें थोड़ी सी भी चिंगारी डाल दो विकराल अग्नि जन्म देती है। जाओ उर्वशी, और जाकर अपनी जलन की अग्नि से स्वर्ग लोक को भस्म कर दो, मिटा दो इंद्र के सुख और चैन को। अब उर्वशी वही करेगी जो मैं चाहता हूं। मैं छीन लूंगा उस वानर बालक हनुमान का सुरक्षा कवच, हर संतान की सबसे बड़ी शक्ति और उसका सुरक्षा कवच होती है उसकी मां। अंजना, अब जब इंद्र तुम्हें स्वर्ग लोक बुलाएगा तो तुम्हें तो जाना ही होगा, और तुम जाओगी अपने बालक हनुमान को छोड़कर, जिसे मिले हैं बड़े बड़े वरदान किंतु अबोध है, वो होगा मेरे आक्रमण का परम लक्ष्य। अंजना, अब मेरी मायावी शक्तियों से अपने पुत्र हनुमान को कैसे बचाओगी? बोलो अंजना, कैसे बचाओगी अपने पुत्र, अबोध पुत्र हनुमान को? अरे वाह, इतने सुंदर खिलौने! ऐसा उपहार हर दिन मिल जाए तो बड़ा ही आनंद आ जाएगा। पुत्र, अब इन खिलौनों से खेलना बंद करो और सो जाओ, प्रातः शीघ्र उठना है ना तुम्हें। अब सो जाओ हनुमान।
किंतु माँ, मुझे तो निंद्रा ही नहीं आ रही है और मुझे अपने खिलौने से भी तो खेलना है ना। युवराज हनुमान, अब तुम युवराज हो गए हो, खिलौनों से खेलना तुम्हें शोभा नहीं देता। किंतु पिताश्री, मुझे उपहार में तो खिलौने ही मिले हैं ना। अंजना, हनुमान अब युवराज बन गया है, उसे सब कुछ सीखना होगा, इसलिए अब तुम उसे अक्षर ज्ञान देना भी आरंभ कर दो। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, हनुमान को इन खिलौनों के संसार से बाहर आना होगा। मैं कल ही इसके अक्षर ज्ञान की शिक्षा आरंभ कर देती हूँ। पुत्र हनुमान, चलो अब सो जाओ। पुत्र, सोने का प्रयत्न करो, आ जाएगी नींद। अंजना, इसे लोरी सुना दो, अभी सो जाएगा। जीवन में सभी को अनेकों परीक्षाओं से निकलना पड़ता है। हनुमान और देवी अंजना को भी जीवन की अनेक परीक्षाओं में उतरना ही पड़ेगा। प्रिय, हनुमान, अब आज से तुम्हारी अक्षर ज्ञान की शिक्षा आरंभ होगी। अक्षर ज्ञान सीखकर तो मैं भी ज्ञानी हो जाऊंगा ना माँ? हाँ पुत्र, चलो श्री गणेश करते हैं। अब युवराज अभिषेक का विधिवत श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश अर्थात? श्री गणेश का अर्थ होता है, यदि कोई शुभ कार्य आरंभ करो तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को स्मरण करना चाहिए। उससे कार्य में कोई बाधा नहीं आती और कार्य भली भांति संपन्न हो जाता है। किंतु भगवान गणेश को ही क्यों स्मरण किया जाता है? यदि हम उनके माता पिता भगवान महादेव और माता पार्वती को स्मरण करें तो कार्य और भी अच्छी तरह से पूर्ण हो सकता है ना? नहीं पुत्र, सबसे पहले भगवान श्री गणेश को ही स्मरण करते हैं। सबसे पहले उनकी ही पूजा का विधान है। तो क्या वो अपने माता पिता से भी पहले पूजे जाते हैं? हाँ पुत्र, और पुत्र होते हुए भी पिता से पहले क्यों पूजे जाते हैं, इसकी भी एक लंबी कथा है जो उनकी बुद्धिमानी से जुड़ी हुई है। माँ, मुझे वो कथा सुनाइए ना। सुना दूंगी, किंतु पहले शिक्षा का श्री गणेश तो कर लो, अर्थात अपना प्रथम अक्षर तो सीख लो। ब्रह्मनाद है, इसी से यह सारा संसार बना है। सारा संसार? हाँ, अब तुम भी बोलो। वाह, तुमने तो एक बार में ही सीख लिया। चलो अब मैं तुम्हें इसे लिखना सिखाती हूँ।
उर्वशी, क्या तुम बावली हो गई हो? कुछ भी कहे जा रही हो? मैं तो केवल आपको स्मरण करा रही हूँ देवराज, कि आप अपनी एक अप्सरा को कैसे भूल गए। पूंजिक स्थला हो, मैं या अन्य कोई अप्सरा, हम सब के कार्य, कर्तव्य और अधिकार समान है। फिर पूंजिक स्थला को ये विशेष अधिकार क्यों मिले हुए हैं? आपको उसे मिले श्राप का स्मरण तो है ना देवराज? वानर बाहर नहीं, तेरे भीतर है, जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। देवराज, पुंजिक स्थला को वानर योनि में जन्म लेने का श्राप तब तक के लिए ही मिला था जब तक वो माँ नहीं बन जाती। अब जब वो माँ बन चुकी है तो पृथ्वी लोक पर क्यों? आपको उसे वापस बुलाना होगा देवराज। और यदि आप उसे वापस नहीं बुलाते तो आप हम अप्सराओं को अप्सरा जीवन से मुक्ति दे दीजिए। हम भी मां बनना चाहती हैं, संपूर्णता में नारी जीवन जीना चाहती है। देखो उर्वशी, अपनी हट छोड़ दो। अंजना के रूप में अब वो हनुमान की माँ है। वो किसी की भी माँ हो, उसे भी नियम का पालन करना होगा। यदि आपने एक के लिए नियम परिवर्तित किया है तो आपको हमारे लिए भी नियम परिवर्तन करना होगा। तुम्हें समस्या क्या है? क्या स्वर्ग के सारे सुख तुम्हारे लिए कम पड़ रहे हैं? नारी का सुख नारी जीवन की पूर्णता में ही होता है देवराज। या तो हमें आप उस जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र करें या फिर पूंजिक स्थला को वापस बुलवाएं। हमें भी स्वतंत्रता चाहिए देवराज, हम भी मुक्त होना चाहती हैं। ठीक है, हम पुंजिक स्थला को वापस बुलवाने की व्यवस्था करते हैं। उचित है देवराज। प्रणाम देवराज। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? हनुमान को उसकी माँ से दूर करने का अर्थ जानते हैं आप? देवी शची, उचित होगा कि आप हमारे कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। स्वामी, मैं तो केवल इतना कह रही थी कि हनुमान के कारण आपको पहले भी सबके सामने क्षमा मांगनी पड़ी थी। बस सची, अपना भला बुरा हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। राजकाज देखना हमारा काम, आपका नहीं। आप जा सकते। अरे वाह माँ, इसे गोल 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 करने से अक्षर बन गया। हाँ पुत्र,
और इन अक्षरों को बनाते हुए जोड़कर शब्द बन जाता है। माँ, एक बार मैं स्वयं लिखूं? अवश्य पुत्र। चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु, माँ ये तो बहुत ही सरल है। ये तो सिर्फ आरंभ है पुत्र, आगे जाकर जब तुम अक्षर, मात्राएं और उन्हें कैसे जोड़ना है वो सब सीखोगे तब तुम्हें ज्ञात होगा शिक्षा इतनी सरल नहीं, थोड़ी कठिन भी होती है। माँ, मैं सारी कठिनाई से पार पा सकता हूँ और मैं सारा अक्षर ज्ञान सीख लूंगा, बस आप मुझे गणेश जी की कथा सुनाइए। सुनाइए ना माँ, अब आप मुझे गणेश जी की कथा सुनाइए ना। अच्छा अच्छा, आज ओम तक ही अक्षर ज्ञान और अब श्री गणेश जी का गुणगान। माँ मैं रख देता हूँ। मुझे कथा सुनाइए ना कि गणेश जी अपने माता पिता से प्रथम पूजे कैसे हुए, सुनाइए ना माँ, सुनाइए ना माँ। तो सुनो हनुमान, ये कथा बहुत समय पहले की। एक बार सभी देवताओं में ये विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, और जो देवता सर्वश्रेष्ठ होगा उसी की हर पूजा, यज्ञ और शुभ कार्य में प्रथम पूजा की जाएगी। तो सभी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ थे और उनके इस विवाद के कारण संसार में पूजा और यज्ञ आदि सभी कार्य रुक गए थे। अब देवताओं का निर्णय कौन करे? तो निर्णय कराने के लिए सभी देवता शिव जी के पास कैलाश धाम पहुंच गए। वैसे तो आप सब देव अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, किंतु प्रथम पूजा उसी की होगी जो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करने के लिए आप सब में कोई प्रतिस्पर्धा कराई जाए। गणेश से कुछ होगा नहीं, यदि पिताश्री मुझे ध्यान में रखकर प्रतिस्पर्धा कराए तो आनंद आ जाएगा। प्रतिस्पर्धा ये है कि आप सब संसार की परिक्रमा लगाएंगे और जो सबसे पहले ये परिक्रमा पूर्ण कर लेगा वही सर्वप्रथम पूजा के योग्य माना जाएगा।
प्रतिस्पर्धा? तब तो बड़ा ही आनंद आया होगा। कौन विजयी हुआ? क्या हुआ? गणेश जी ने क्या किया? बताइए ना माँ, बताइए ना। बताती हूँ, बताती हूँ। फिर सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर प्रस्तुत हो गए प्रतिस्पर्धा के लिए। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय मयूर के ऊपर, वरुण देव मगरमच्छ पर, भैंस के ऊपर कालदेव, मूषक के ऊपर गणेश जी और इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर सवार होकर। ऐरावत, वो श्वेत हाथी, वो तो बड़ा ही सुंदर है। वो तो मेरा मित्र भी बन गया था। फिर क्या हुआ माँ, बताइए ना। फिर क्या? सभी देवता यही सोच रहे थे, मैं ही विजयी होऊंगा, मैं ही विजयी होऊंगा। कार्तिकेय, मेरे ऐरावत जैसी गति तो किसी के भी वाहन में नहीं है। ये तो प्रतिस्पर्धा के समय ज्ञात होगा देवराज। किंतु तुम्हारे भाई गजानन का क्या होगा? वो तो लगता है कि सबसे अंत में ही पूजे जाने योग्य ठहराए जाएंगे। आप क्यों उनसे स्पर्धा करेंगे? आपको तो मेरा सामना करना। गणेश भैया, यदि आप कहें तो मैं आपका वाहन बनने को तैयार हूँ। आप अवश्य विजयी होंगे। धन्यवाद नंदी भैया, पर मूषक है ना मेरा वाहन, मैं सदैव इसी पर सवार होता हूँ। यदि आज आप मेरी सवारी बनेंगे तो मेरे मूषक को बुरा लगेगा ना? माँ, गणेश जी ने मोदक की भावना का ध्यान रखकर गणेश जी ने अच्छा तो किया, किंतु वे नंदी जी की बात मानते तो और अच्छा होता ना? नहीं पुत्र, गणपति जी ने सत्य कहा, वाहन नहीं बदलते, पर किसी की सहायता से स्पर्धा में विजय प्राप्त करना भी अनुचित है। ऐसी विजय का कोई अर्थ नहीं। फिर क्या हुआ माँ? तो स्पर्धा आरंभ की जाए। हाँ महादेव। याद रहे, संसार की परिक्रमा लगानी है आप सभी को। जी पिताश्री। अवश्य महादेव। आप स्पर्धा आरंभ करने का संकेत दीजिए, हम सब तैयार हैं। नंदी। जो आज्ञा प्रभु। सारे देवता तो आगे निकल गए थे गणेश जी से, फिर भी गणेश जी प्रथम कैसे आए? यही रहस्य तो नहीं समझ पाए अन्य देवता। रहस्य? इसमें कौन सा रहस्य है माँ? रहस्य ये है पुत्र, कि वो स्पर्धा वाहन दौड़ की नहीं अपितु बुद्धि की स्पर्धा थी।